इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहां लगातार कई दिनों से बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कई शहरों में रास्तों और घरों पर कई इंच तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन कश्मीर में इस बर्फ पर चलना बेहद मुश्किल होता है और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल में काम आते हैं वो जूते जो बर्फबारी के दौरान भी पैरों में गर्मी का एहसास कराते हैं। दरअसल आपने कश्मीर में फेहरन और कांगड़ी पर तो ध्यान दिया होगा, जो सर्दी से बचाने का लोगों को काम करती है, पर क्या कभी आपने उन जूतों पर ध्यान दिया है जो सर्दी से लोगों को बचाने का काम करते हैं? अगर नहीं तो आज इसकी खासियत आप जान लीजिए। खासियत पैर गर्म रहता है, आप फेहरन पहनते हैं सर्दी में, कांगड़ी भी रखते हैं, ये पैर को हीट देता है, फर्स्ट क्लास रहता है इसमें, नॉर्मल। इसमें फर लगती है अंदर, दरअसल मेन कॉस्ट ये है कि इसमें फर लगती है अंदर, ताकि आपका पैर थोड़ा नॉर्मल रहे, इसमें सर्दी नहीं लगे इसमें। देखिए कश्मीर की टोपोग्राफी की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्शन वाइज हम इसको देखते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ या मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो हैरिश विंटर चल रहा है, जिसको हम चिल्ली कलान बोलते हैं। चिल्ली कलान में जो है -7 -8 तक डिक्लाइन डाउन हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर जो शूज़ है जिसमें फ़र लगा हुआ होता है। तो अभी हर एक की नीड जो है यही शूज़ होता है, खासकर लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा महंगे जो शूज़ न ले, ताकि यहाँ पर जो अभी टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ है, माइनस में चल रहा है, और जो सड़कें भी ज़हर आब है उसमें साथ साथ में जो बर्फ़ भी बर्फबारी हो रही है, तो यहाँ पर श्रीनगर में कम ही बर्फबारी हुई है, लेकिन अगर देखेंगे जो रूरल एरियाज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है 2 फीट 3 फीट जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। तो उसके लिए यहाँ पर लोग जो है प्रेफर करते हैं ऐसे ही शूज़ जिसमें फ़र हो, जो थोड़ी सी गर्मी और दो जो वार्म रखे इंसान को। तो इन जूतों की डिमांड बढ़ रही है और व्यापारी भी बेहद खुश नजर आ रहे। दरअसल बर्फबारी के दौरान इन जूतों की डिमांड बढ़ जाती है और दुकानों में भीड़ भी नजर आती है, जिससे व्यापारी खुश रहते हैं और आम लोगों को भी अच्छी वैरायटी के जूते मिल जाते हैं। लोगों का कहना है कि अब वाटरप्रूफ जूते आ रहे हैं, जिनसे उन्हें बर्फबारी के दौरान चलने में काफी आसानी रहती है और पूरे साल ही इसकी डिमांड रहती है। फर शूज बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ होती है, बर्फ में निकलना पड़ता है, फिर हम फर शूज लगाते हैं, वो हमारे पैरों को वार्म रखते हैं। तो कितना महीना यहाँ आप इसको प्रेफर करते हैं लगाना, 4-5 महीने? हाँ, हम दिसंबर से फरवरी तक लगाते हैं। हाँ, पहले जो फर शूज आते थे वो नॉर्मल आते, अब अच्छे आते, वाटरप्रूफ आते हैं, वैरायटीज आ गई इसमें, अब इंसान फर शूज ही प्रेफर करता है विंटर्स में लगाना, क्योंकि पैर भी वार्म रखते हैं और वाटरप्रूफ भी, उसमें पानी भी नहीं जाता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी शूज यूजुअली गीले हो जाते हैं जल्दी। कंपनी इतनी आई है, हर एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, कंपनी इतनी डिमांड करे कि हर एक बोलता है कि मैं आगे जाऊँ, इतना डिमांड थे फर वाला ज़्यादा, बहुत दिन ब दिन चेंज होता है, जो विंटर होता है उसमें चेंज डिश होता है, कहाँ लोकल आता है, लोकल बहुत सारे ब्रांड्स भी आते हैं इसमें, जैसे टेस अप है, लिबर्टी है, और ऐसा भी मदन, जो बाकी जो लोकल है उसमें मदन भी है और कोस्टर हैं, इतने सारे रहते हैं फर वाला। बस इसलिए करता है कि ये बर्फ़ के लिए ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि इसमें गर्मी गर्म रह जाता है पाँव, इसे प्रेफर ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि लेदर इसमें नहीं लगता है, इसीलिए लगता है ज़्यादा ये जो स्नो फर वाला है वही बेटर ज़्यादा। तो बर्फबारी जारी है और लोग ठंड से बचने का पूरा प्रयास कर रहे, और इस ठंड में फहरन कांगड़ी और ये जूते उतना ही लोगों का साथ निभा रहे जैसे कोई अपना जीवन में साथ निभाता है, क्योंकि पूरे साल इसकी जरूरत पड़ती है और कश्मीर के हर एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा अब ये बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़।